आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें incometax.gov.in पर आना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम के बाद अभी चालू हुई है वेबसाइट। अभी इसमें बहुत से ग्लिचेस आने के कारण अभी बंद चल रही थी, तो अब ये थोड़ा स्मूथली चल रही है। तो हम देखते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करना होगा, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने अभी न्यू है, अभी तक कोई ITR फाइल नहीं कर देते और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सीधा सा है, आपको होम पर जाना है। यहाँ रजिस्टर्ड का बटन होता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो, ये चार स्टेप में कम्प्लीट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड करेंगे एज अ टैक्स पेयर का, अदर्स में नहीं होता है, क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको अपना ITR फाइल करना है, इसके लिए कर रहे हैं। दूसरा होता है अदर। अदर में क्या होता है, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, टिन 2.0 स्टेक होल्डर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर करते हैं। तो हम यहाँ पर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, पैन वैलिडेट करने के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ अपना पैन नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है पैन वैलिडेट सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो हम यहाँ पे यस करके कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, लास्ट नेम, फिर उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालिएगा। यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंस स्टेटस में आपको रेसिडेंट ही लिखना है, नॉन रेसिडेंस होता है जो कि अपने इंडिया में नहीं रहते हैं। तो आप इंडिया के हैं तो आपको रेसिडेंस स्टेटस में रेसिडेंट लिखना है, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा किसका है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ करना है। प्राइमरी मेल आईडी डालने के लिए बोलेगा, तो आपको अपनी एक मेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है एड्रेस के लिए, तो आपको अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर OTP क्या होगा, हमें OTP डालना होगा। तो इस तरीके से हमारे OTP वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है वेरीफाई डिटेल के लिए। तो हम यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेंगे, हमारा पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम जो डला है वो सही है या नहीं है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एड्रेस और मेल आईडी। इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे हम कंफर्म करते हैं, यहाँ पासवर्ड सेट करने का आता है, हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही रजिस्टर करते हैं, देखिए योर ई फाइलिंग पोर्टल यूज़र आईडी इज़ दिस, कंफर्मेशन ईमेल सेंड, योर मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। ये हमारी ट्रांजेक्शन आईडी आ जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे आधार को और बैंक अकाउंट को भी लिंक करना होता है। दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस तरीके से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि हमने अभी डाला था, वही आपकी यूज़र आईडी होती है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो दोस्तों, एक बार हम लॉगिन करके भी जल्दी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमारा पोर्टल कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल के
यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तरीके से हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, तो देखिए दोस्तों ये हमारा वेलकम नोट आ गया है। अब हम यहाँ से अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अपने TDS चेक कर सकते हैं, तो जो भी हमारे कंप्लाइंसेस रहेंगे यहाँ से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक आधार का आएगा, तो यहाँ पे आपको आधार लिंक करना होगा। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको और आगे बता दूंगा, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम आधार लिंक करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म, किस तरीके से हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स, GST और कंपनी कंप्लाइंसेस से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। आने वाले टाइम में हम इसको और पर्सनलाइज करेंगे, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है, आपकी अगर कोई क्वेरी होती है किसी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।